हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाजार जैसी मटका मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी से बन जाती है। 2 गिलास दूध में आप बहुत टेस्टी सी ये कुल्फ़ी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को ऐसे चारों तरफ कढ़ाई में घुमा देंगे हम और इस पानी को मैं फेंक दूँगी। ये देखिए, मैंने पानी सारा गेर दिया है और कढ़ाई खाली है। थोड़ा बहुत जो पानी लगा है इसे लगा रहने देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप चीनी। गैस की फ्लेम को मैंने कर दी है ऑन और ये कढ़ाई को हम इस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को अब हमें मीडियम कर लेना है और इस चीनी को हमें अब मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम चीनी को अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी कढ़ाई के तले में लगे ना। तो गैस की फ्लेम आप इस समय थोड़ी हाई भी कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को स्लो कर लेंगे। तो अभी तो देखिए चीनी मेल्ट नहीं हो रही है क्योंकि कढ़ाई अभी अच्छे से गर्म नहीं है। जब अच्छे से कढ़ाई गर्म होगी तो देखिए धीरे धीरे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही इजी कुल्फ़ी है, इसे बनाना बहुत जल्दी से बनती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चीनी देखिए धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। मीडियम आंच पे इसे अच्छे से हम मेल्ट करेंगे ताकि चीनी लगे ना, क्योंकि अगर चीनी जलेगी तो हमारे जो कुल्फ़ी का टेस्ट होगा वो कड़वा हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल मीडियम आंच पे ही हम इसे मेल्ट करेंगे। थोड़ा चीनी को मेल्ट होने में ही टाइम लगता है मगर असली टेस्ट इसी चीनी को मेल्ट करने से आएगा, तो इसलिए आपने पेशेंस के साथ चीनी को मेल्ट करना है। तो देखिए ऑलमोस्ट चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। जो थोड़े बहुत चीनी के क्रिस्टल हैं, बहुत गर्म है कढ़ाई, तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए मेल्ट फॉर्म में जब चीनी अपनी हो जाती है तो इस कलर में ये हो जाएगी, ये देखिए। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसे थोड़ा सा कर लूँगी ठंडा। तो 5 से 6 मिनट मैं इसे ऐसे घुमाते हुए ठंडा कर लूँगी। 4 से 5 मिनट मैंने इसे ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 2 गिलास दूध। नॉर्मल गिलास जो होता है उसी से मैंने मेज़र करके 2 गिलास दूध को ऐड किया है, ये देखिए। और जब दूध हम कढ़ाई में डालते हैं तो क्या होता है, चीनी कढ़ाई में चिपक जाती है जो हमने मेल्ट की थी। तो अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑन करना है और उसको मीडियम कर देना है। जैसे जैसे कढ़ाई हमारी गर्म होगी दूध अच्छे से उबाल आएगा दूध में और चीनी अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ना डरिए कि चीनी चिपक गई है कढ़ाई में, बिल्कुल ना डरिए। दूध जैसे जैसे हीट पे जाएगा अपने आप ही चीनी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए कढ़ाई में कितनी चीनी चिपक रखी थी और देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। तो 5 से 6 मिनट मैं दूध को अच्छे से उबालूंगी। ये देखिए जैसे जैसे दूध उबल रहा है उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। और जो किनारों पे ये मलाई आती है, इस मलाई को हमने इससे ऐसे धीरे धीरे करके साफ़ कर देना है क्योंकि ये खोए वाला टेस्ट लेकर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो ये मलाई आती है इसे जमने ना दे, इस तरीके से आप इसे साफ़ कर लें। तो 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से उबालेंगे मीडियम आँच पर और ये देखिए बिल्कुल रबड़ीदार कुल्फ़ी हमारी बनने के लिए रेडी है। तो ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है इसमें अच्छा सा। तो यही उबाल हमें 4 से 5 मिनट के लिए लेकर आना है अच्छे से। गैस की फ्लेम मेरी मीडियम है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, एक मैं लूँगी छोटी सी कटोरी, मैं आपको दिखाती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा करूँगी ठंडा दूध ऐड। और इसी में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप 1 चम्मच गेहूँ का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है, अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा कॉर्नफ्लावर का दूध ये रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए। और दूध में जो उबाल आ रहा है, अब ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। एक साथ सारा दूध ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना इसमें क्या होता है लम्स पड़ जाते हैं। ये देखिए तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और ऐसे इसे मिक्स कर दूँगी। तो इसी बात का आपने ध्यान रखना है, ये देखिए। तो जैसे हमने कॉर्नफ्लावर का दूध इसमें ऐड किया, दूध और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो मैंने अब गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसे मैं करूँगी अब थोड़ा सा ठंडा, ये देखिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ठंडा हो गया है, ये देखिए। ये जब ठंडा हो जाता है तो इस फॉर्म में आ जाएगा और इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है। तो इसमें मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स, ये देखिए एकदम परफेक्ट मिक्स हो गया है। तो अब मैं कुल्फ़ी जमाने के लिए ये ले रही हूँ, छोटी छोटी सी मेरे पास ये गिलास पड़ी थी मेरे बेटे की, तो इसमें मैं कुल्फ़ी जमाऊँगी। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप उसमें भी जमा सकते हैं, तो मेरे पास अभी मोल्ड नहीं थे तो मैंने सोचा इसमें ही जमा लेते हैं। तो ये देखिए मैं इतना इतना इसमें फिल कर रही हूँ इस तरीके से। तो मेरे पास 4 से 5 गिलासी थी ये, इसी में मैं जमा दूँगी सारी कुल्फ़ी। ये देखिए जितना जितना आपने फिल करना है आप उतना फिल कर लीजिए
और ये देखिए मैंने सभी गिलासों में ऐसे कुल्फी का जो हमने बैटर बनाया था वो इसमें मैंने कर लिया है ऐड। अब हम इसमें क्या करेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे टैप टैप कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐसे ऊपर से छिड़क देंगे इस तरीके से। बहुत अच्छा टेस्ट आता है नारियल के बुरादे से। तो अब इसके ऊपर हम सिल्वर पेपर ऐसे चिपका देंगे और रबड़ से ऐसे पूरा फिल कर देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे रबड़ लगा के इसे हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना क्रॉस हो इस तरीके से। तो सभी गिलासों में मैं ऐसे ये फ्रेश रैप लगा लूँगी और ऐसे रबड़ लगा के हम इसे पूरा टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारा ये रेडी है। तो मेरे पास कुल्फी के दूसरे वाले मोल्ड थे तो उसका ये स्टिक पड़ी थी तो मैं वही स्टिक लगा रही हूँ। अगर आपके पास लकड़ी की भी स्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए पांचों गिलासों में लगा दी है। अब मैं इसे जमने के लिए रख देती हूँ। तो पूरी रात मैंने जमने के लिए रख दी है और कुल्फी हमारी जमकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसकी रबड़ निकाल दूँगी और जो फ्रेश रैप था इस तरीके से इसे निकाल देंगे और दोनों हाथों के बीच में हथेलियों के बीच में रख के हम ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मलाई वाली कुल्फी निकल के रेडी है। बहुत ही टेस्टी है। अगर आपसे ना निकले हथेलियों के बीच में तो ऐसा पानी में रखिए, थोड़ा सा घुमाइए और इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस कीजिए और कुल्फी आपकी आराम से निकल जाएगी एकदम परफेक्ट। तो हमारी मटका मलाई कुल्फी देखिए कितना ईजी है बनाना और एकदम परफेक्ट बनी है। एकदम परफेक्ट टेस्ट, एकदम परफेक्ट कलर आकर रेडी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप इस गर्मी में ज़रूर ट्राई करिए। 10 से 12 मिनट में आपकी ये कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।